हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के बारे में। इस स्टॉक ने आज हमने बहुत अच्छा बाइंग देखा। प्रेजेंटली स्टॉक 21.55 के रेंज पे, आज का डे हाई 22.30 है। सुबह सुबह 10% के ऊपर भी यह स्टॉक चला गया था। प्रेजेंटली यह स्टॉक 8% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। नवंबर में जब मैंने रिजल्ट के ऊपर वीडियो बनाया था, तब उसके बाद स्टॉक में हमने करेक्शन देखा था। तब भी यह स्टॉक 2021 के करीब था एंड सीधे सीधे यह स्टॉक 17 तक भी आया था। देन आफ्टर सम न्यू डेवलपमेंट एंड ऑल दिस थिंग्स, स्टॉक नीचे से ऊपर की तरफ आया है, बट इट्स नॉट अ इन्वेस्टमेंट स्टॉक एट ऑल। मैंने आपसे पहले भी कहा था, स्टॉक्स लाइक बंधन बैंक, आरबीएल बैंक से दूर रहे। ये भी ऐसा ही बैंक है। जिस तरह से आरबीएल बैंक एंड बंधन बैंक गिरा, इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स बहुत नुकसान हुआ, जिन लोगों को ज्यादा नॉलेज नहीं था इन बैंक के बारे में। सेम थिंग इज हैपनिंग विद उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। प्रेजेंटली स्टॉक बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है वैल्यूएशन वाइज, क्योंकि अगर आप इसको नीचे से ऊपर तक देखोगे, 17 का लो है, 44 का हाई है, एंड लग रहा है कि अपने बॉटम से ये जस्ट 4 रुपीज ही ऊपर है। सो ऊपर की तरफ का बहुत बड़ा टारगेट बन सकता है, बट जब तक रिजल्ट अच्छे नहीं हो तब तक इस स्टॉक से आप दूर रहे। रिजल्ट आने दीजिए, अगर रिजल्ट अच्छे हो तो डेफिनेटली आप इन्वेस्ट कीजिए, देन आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। अदरवाइज आप रात को सो नहीं पाओगे अगर अभी इस जैसे स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे। ट्रेडिंग के लिए तो ठीक है, बट उसके लिए भी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। एज अ डे ट्रेडर आप आज के लिए अगर इस स्टॉक को बाय करना चाहते हो, देन एग्जिट करना चाहते हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट वही करें जो स्किल ट्रेडर है। नाउ अगर कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों को देखें, देयर इज नो पीबी, इट्स अ लॉस मेकिंग बैंक। मार्केट कैप 3733 का है। एंड अगर हम कुछ और इंपॉर्टेंट टेक्निकल्स को देखें, टेक्निकल्स में सबसे इंपॉर्टेंट है आरएसआई, एमएफआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स, शॉर्ट टर्म में किसी स्टॉक के मूवमेंट को बताते हैं। 70 के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। आरएसआई में इसका स्कोर है 62, एमएफआई में 84। क्यों ना हो, 1 वीक का रिटर्न देखिए 15%, 18.4 से सडनली स्टॉक 22.3 हो गया है, जिसमें सो 8-9% का रिटर्न आज ही स्टॉक ने दिया है। सो डेफिनेटली ये जो चीज है वो नॉर्मली एग्रेसिव ट्रेडर्स फंड्स उनका काम है, इन जैसे स्टॉक को बाय करना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट म्यूचुअल फंड, बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है तो मार्केट में ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट बोथ थिंग्स करते, ये उनके लिए ठीक है, बट नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर जिनको स्टॉक के बारे में नॉलेज नहीं है वो दूर रहे। दूसरों को प्रॉफिट, दूसरों को लॉस करने दीजिए। आप इन्वेस्ट रहे बड़े बैंक में, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, एसबीआई जैसे दिग्गज काउंटर्स में, क्योंकि करेक्शन में यह ज्यादा लॉस आपको नहीं देगा। अगर मिड कैप बैंक पे आपको जाना ही है, फेडरल बैंक देखिए, परफॉर्मेंस वाइज इज वेरी गुड, स्टॉक नीचे ट्रेड कर, आप इसमें इन्वेस्ट कर लीजिए। इसी के साथ साथ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर भी आपको नजर रखना है। जिन बैंक का परफॉर्मेंस अच्छा है सीधे सीधे उनके ऊपर आपको फोकस करना है, जिन बैंक का परफॉर्मेंस खराब है उससे आपको दूर रहना है। अगर हम इस स्टॉक के बारे में और इंपॉर्टेंट चीजों को देखें, सो डेफिनेटली एमएफआई में यह स्टॉक एट दैट मोमेंट ओवरबॉट है, सो डेफिनेटली थोड़ा करेक्शन हम देखेंगे अपकमिंग डेज। So, इसको भी आपको रडार पे रखना है। 1 वीक का रिटर्न, 1 मंथ का रिटर्न भी 12% है, 18 इसका लो है, 3 मंथ का लो 17 है, जो नवंबर में इसने अपने रिजल्ट डिक्लेयर किया था उसके बाद स्टॉक इतना गिरा था। नाउ हाई भी 23.8 है। सो डेफिनेटली आपको बहुत सारी चीजों के ऊपर ध्यान रखना है। अगर हम सिंपल एक्सपेरेशन मूविंग एवरेज देखें तो डेफिनेटली स्टॉक का 1 ईयर हाई 44 था, सो 200 एक्सपेरेशन मूविंग एवरेज 25 है। इसके ऊपर जब तक नहीं जाता, सस्टेन नहीं करता, तब तक मैं बुलिश नहीं हूं। क्यों करें, इस स्टॉक का एनपी अगर आप देखोगे तो आप शॉक हो जाओगे, उसके बारे में आगे जाके डिस्कस करेंगे। जब तक नेक्स्ट क्वार्टर में बहुत ही अच्छे रिजल्ट नहीं आते, रिजल्ट का मतलब लॉस मेकिंग बैंक, प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता या फिर एनपी नहीं करते, तब तक नो वन इज बुलिश इन दिस पर्टिकुलर बैंक, तब तक आप कुछ मत कीजिए, स्टे अवे। हाँ, आप ट्रैक कर सकते हो, अगर परफॉर्मेंस अच्छा हो तो डेफिनेटली तब आप ट्रेडिंग कीजिए, खराब हो तो सेल कीजिए, अच्छा हो तो बाय कीजिए, बट 1-2 दिन से ज्यादा अपने पोजीशन को होल्ड मत कीजिए। 100 एक्सपेक्टेशन मूविंग एवरेज 21.2 इसके ऊपर स्टॉक है। सो डेफिनेटली बहुत सारे लोग आपको ये बोलेंगे कि स्टॉक इज लुकिंग वेरी बुलिश एंड ऊपर की तरफ जा सकता है, बट अगर स्टॉक में कुछ अच्छा हो ही नहीं, फंडामेंटली बहुत वीक अगर कोई स्टॉक हो, सो टेक्निकली 100 एक्सपेक्टेशन मूविंग एवरेज ऊपर बंद हो भी तो कितना ऊपर जाएगा, इसका तो फंडामेंटली ठीक नहीं, ऊपर की तरफ तो जबरदस्त प्रॉफिट बुक हो जाएगा एंड रिटेल इन्वेस्टर ट्रैप हो जाएंगे, जैसा हमेशा रिटेल इन्वेस्टर होते हैं। पर डेफिनेटली अगर आपने बाय किया है तो आपको जो मेन इसका रेजिस्टेंस है 20.27, 20.58, इन सारे रेजिस्टेंस नाउ बिकम देयर स्टॉप लॉस। सो 21 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस जिसको आपको देखना है, 20.58, 22.7 एंड ऊपर की तरफ क्या होगा, ऊपर की तरफ अगर ये 21.2 के ऊपर क्लोजिंग देता है, सो डेफिनेटली कुछ लोग बोलेंगे टेक्निकली इज लुकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग, सो 22 तक जा सकता है, देन आपको एग्जिट ले लेना है। डोंट नीड टू डू एनीथिंग इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक विदाउट एनी प्रॉपर नॉलेज। नाउ अगर हम इस स्टॉक के पीयर्स के साथ कंपेयर करें, सो एज यू कैन सी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक
जिसका मार्केट कैप ऑलरेडी 3,447 करोड़, इट्स अ लॉस मेकिंग कंपनी, जहां पे आपके पास HDFC, ICICI, कोटक, एक्सिस जैसे दिग्गज काउंटर मौजूद है, व्हाई शुड यू बाय ए पर्टिकुलर स्टॉक जिसका परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है। नाउ ROC तो ठीक ठाक है 5.81, बट इंस्टेड ऑफ दैट देयर इज नथिंग गुड। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको आपको ध्यान रखना है वो क्वार्टरली रिजल्ट। क्यों मैं बोल रहा हूँ कि इसका परफॉर्मेंस खराब है, सबसे पहले आप देखिए नेट प्रॉफिट, नेट लॉस है 274 करोड़, जून में है 233 करोड़, दिसंबर में 279 करोड़, ऑनली मार्च क्वार्टर एक ऐसा क्वार्टर था सडनली आई डोंट नो व्हाई कंपनी ने 136 करोड़ का प्रॉफिट भी किया था, बट उससे पहले कंपनी का प्रॉफिट ऑलवेज बिलो 100 करोड़ रहा है। सेप्टेम्बर 2020 तक तो एवरीथिंग वॉज फाइन, तब मुझे ये बैंक बहुत अच्छा लगता था, मैंने इसके ऊपर जब 2020 में वीडियो बनाया था मैं बहुत बुलिश था, बट मैं बुलिश इसलिए था क्योंकि इनका एनपीए बहुत ही अच्छा था, ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए में इसमें अच्छा खासा सुधार दिखा है, परफॉर्मेंस खराब होना स्टार्ट कर रहा दिसंबर से, पर एनपीए में उस वक्त उतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं था। वी ऑल नो के मार्च जून सितंबर यानी 2021 में सारे बैंक्स के एनपीए खराब थे, सारे बैंक्स पर परफॉर्मेंस में हमने बहुत ही गिरावट देखा, बट सितंबर क्वार्टर में जब बड़े दिग्गज बैंक ने अपने परफॉर्मेंस को सुधारा, इसने अपने परफॉर्मेंस को और खराब किया, 7.07 से 9.79 एंड 11.80, बंधन बैंक से भी खराब परफॉर्मेंस इस पर्टिकुलर बैंक ने दिया है, डेफिनेटली ये बहुत ही खराब है। नेट एनपीए भी 2.68 से 3.29, अगर 9.79 से इनका एनपीए घट के 7.07 हो जाता, सो आई वॉज वेरी बुलिश, आई वॉज अवॉइड द एंटायर लॉस, सिर्फ एनपीए को बेस करके मैं ये बोल सकता था कि इनका जो टारगेट है आने वाले टाइम में ऊपर की तरफ ही होगा, क्योंकि एक क्वार्टर में लॉस हो दैट डजंट मैटर, नेक्स्ट क्वार्टर में अगर एनपीए और सुधरेंगे, प्रोविजनिंग घटेगा, ऑब्वियसली बैंक का प्रॉफिटेबिलिटी जरूर बढ़ेगा, बट इस तरह का भयानक परफॉर्मेंस देने के बाद कोई कैसे इस स्टॉक के ऊपर बुलिश हो सकता है? शॉर्ट टर्म डेवलपमेंट है, लोग बाय कर रहे हैं, आपको बाय करना है तो वेट फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट, अगर एनपीए यहां से गिर के 7-8 तक आते सो डेफिनेटली ट्रेडिंग पर्पज से आपको बाई करना है, एंड रिजल्ट से पहले देखिए क्या एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बैंक, तब भी थोड़ा पोजिशन आप बना सकते हो, अगर खराब एक्सपेक्टेशन हो तब भी पहले से ही शॉर्ट करके रखो, रिजल्ट आने के बाद एग्जिट कर लेना। सबसे लास्ट में शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें, प्रोमोटर्स के पास 83.32%, प्रोमोटर्स के पास ही ज्यादा स्टेक है, यानी अगर स्टॉक का वैल्यूएशन बढ़ता तो फायदा प्रोमोटर्स को होगा। आई वॉज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट इन द पास्ट एंड आई एम ऑल्सो नॉट कॉन्फिडेंट इन द प्रेजेंट ऑन दी स्टॉक जिनके प्रोमोटर्स होल्डिंग बहुत ज्यादा होते हैं। आई एम वेरी बुलिश अबाउट द स्टॉक्स लाइक ICICI बैंक एंड इन्फोसिस, क्योंकि इनके प्रोमोटर्स होल्डिंग बहुत ही कम है, 11-12% प्रोमोटर्स होल्डिंग है, सो ज्यादा फायदा कहा किसको मिलता है, DIIFI पब्लिक होल्डिंग है, DIIFI में भी ज्यादा म्यूचुअल फंड होते हैं, सो जहां पे भी रिटेल इन्वेस्टर ज्यादा इन्वेस्टेड होते हैं। लुक एट द FI होल्डिंग 0.013, DI होल्डिंग 1.18 एंड पब्लिक होल्डिंग 15.37, यानी रिटेल इन्वेस्टर का ही ज्यादा स्टेक है, कौन से रिटेल इन्वेस्टर ऐसे आई डोंट नो, बट जब वो सेल ऑफ करेंगे स्टॉक नीचे गिरेगा वो बाइंग करेंगे वो स्टॉक ऊपर की तरफ आएगा, सो स्टे अवे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्टॉक, अवॉइड एज मच एज यू कैन, डू नॉट लुक इट एट ऑल, बहुत सारे और ऑप्शन है उनके तरफ जाइए, किसी के बातों में आके स्टॉक को बाय मत कीजिए, बिजनेस चैनल अगर आपको बोले तो भी आप इससे दूर रहें क्योंकि उनका काम ही है ट्रेडिंग, अगर लोग ट्रेडिंग करना छोड़ दें तो बिजनेस चैनल का क्या फायदा, इन्वेस्टर्स को पता है कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, एंड इन्वेस्टर आजकल के टाइम पे म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, देन ओनली टू वॉच बिजनेस चैनल्स, इन्वेस्टर्स को पता है TCS, इन्फोसिस, SBI, HDFC बैंक, दीज आर द बेस्ट स्टॉक इन इंडियन मार्केट, सो दे कैन इन्वेस्ट डायरेक्टली विदाउट वॉचिंग एनी बिजनेस चैनल एट ऑल। सो ये तो स्टॉक को लेकर मेरा एनालिसिस, वीडियो रिफर अच्छा लगा चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।